दोस्तों, अगर आप घर बैठे इंस्टेंट परसेंट लोन ऐप के जरिए से लोन लेना चाहते हैं या फिर इमरजेंसी आ पड़ी है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स कंडीशन जान ले, क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं, सारा कुछ समझने के बाद अपने हिसाब से सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है। दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, काफी लोगों का डिमांड होता है भाई न्यू एप्लीकेशन का रिव्यू किया करो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखेगा। आज की जो वीडियो होने वाली है बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन के ऊपर होने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक देखिए, टर्म्स कंडीशन समझिए कि क्या है, किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं और एक्चुअल में कितने दिनों का लोन प्रोवाइड कराने वाली है। काफी लोगों के डिमांड के ऊपर ये वीडियो दोस्तों बनाई जा रही है। तो आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों बात करेंगे, कम्प्लीटली न्यू एप्लीकेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं और आपसे लोन देने के नाम पर एडवांस फी ले रही होती है, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें आप बिल्कुल पेमेंट ना करें, एडवांस पेमेंट ना करें। अगर आप पेमेंट करते हैं एडवांस, तो हो सकता है आपकी पेमेंट भी फंस जाएगी और आपको लोन्स भी नहीं मिलेगी। इस तरह के जो एप्लीकेशन होते हैं वो आप लोगों के साथ फ्रॉड करती है। सेफ रहे दोस्तों, सतर्क रहे। चलिए जानते हैं डिटेल्स में कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है। दूसरा, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी, तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक का लोन देने की दावा करती है। यहाँ पर मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट चार्ज जो लगेंगे भाई 29% लगभग यहाँ पर लगने वाले हैं। यहाँ पर बताया जाता है भाई 91 दिनों से लेकर 15 दिनों का समय दिया जाएगा लोन भुगतान करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोन सर्व करती है, वो भी आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर। ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर बताई गई है भाई, जो भी आपको यहाँ पर लोन एप्लीकेशन के जरिए से लोन आपको दिए जाते हैं, एक NBFC कंपनी रजिस्टर्ड द्वारा ही लोन आपको दी जाती है, यानी एक NBFC फॉर्म के जरिए से आप तक लोन फंडिंग करी जाती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने ये भी बताया रखा है कि किस NBFC के जरिए से हम लोन फंडिंग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, श्री चक्रा इन्फोवे लिमिटेड द्वारा भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जरिए से आप तक लोन फंडिंग करती है। अब एक्चुअल में कितना सच्चाई है कि वाकई में इस एप्लीकेशन के जरिए से NBFC फॉर्म के जरिए से लोन फंडिंग करती है फिर नहीं, ये चीजें मुझे भी नहीं मालूम है। खैर, ये अलग बात है, इनका काम है इन्फॉर्मेशन देना, डिस्क्रिप्शन में तो कुछ भी चीजें भर देते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट है, सेल्फ प्रोफेशनल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, तीनों कैटेगरी में लोन एप्लीकेशन ये लोन सर्व करती है। आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं ली जाती है। जब आप आधार कार्ड पैन कार्ड देंगे और उसके बाद जैसे लोन अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पर सेल्फी देनी होती है जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ या सैलरी स्लिप वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं होती है। आधार पैन के बेस पर ही लोन सर्विस करती है। अब ऐसे कंडीशन में आपको बता दें, जितने सारे न्यू एप्लीकेशन आ रहे हैं सिर्फ आधार पैन के बेस पर ही लोन देते हैं, इसमें कुछ बताने लायक कुछ है नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का लोन मिलता है। मान के चले आपको 3,000 रुपये का लोन मिलता है, तो आपके बैंक खाते में आएंगे 2110 रुपये समथिंग, ठीक है। आपको लोन का रिपेमेंट करना हो जाएगा 3100 कुछ रुपये, मैंने 3110 रुपये समथिंग आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगती है, पहले आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगती है, बहुत ही कम लगते हैं, मैंने ना के बराबर। लेकिन जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी बोले या फिर सर्विस फी बोले, काफ़ी हाई चार्ज यहाँ पर किए जाते हैं। मेन मैटर यही होते हैं, सारे एप्लीकेशन का सेम प्रोसेस से फंडा है। आप किसी एक एप्लीकेशन को उठाकर आप देख लो और वहाँ आप जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स शेयर करना होता है, यानी बेसिक डिटेल्स, यानी आपका नाम, पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे। दूसरे स्टेप में आपसे फिलअप करवाया जाता है भाई एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि आप करते क्या हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में अगर काम नहीं करते तो क्या करते हैं, कितना सैलरी रेंज है, वो चीज़ आपको बतानी होती है। थर्ड स्टेप में क्या है, KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं। चौथे स्टेप में क्या है, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करवाती है। उसके बाद आपको वेट करना है, अप्रूवल मिल जाती है तो भाई बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर लो। लेकिन वही चीज़ बात हो गई भाई, यहाँ पर 7 डेज के लिए एप्लीकेशन वर्क करती है। इस तरह के एप्लीकेशन के ऊपर रिव्यू करना काफ़ी बेकार है, कोई मतलब नहीं निकलता है। भले किसी भी NBFC के बारे में बता दे कि भाई हम इस NBFC के जरिए से लोन फंडिंग करती है, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है दोस्तों कि आपको अच्छा खासा टेनोर मिलना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें मिलता नहीं है। काफ़ी लोगों के मन में ये भी सवाल होता है, भाई कोई भी एप्लीकेशन है मुझे बस बता दो मुझे लोन लेनी है, 7 दिन हो, 14 दिन हो, 15 दिन हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, पर न्यू एप्लीकेशन के बारे में बता दो। तो उन लोगों के लिए एप्लीकेशन दोस्तों इस तरह से
वर्क करती है। उन्हें जब लोन टर्म से मतलब नहीं है तो आप इस तरह के एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर ईएमआई लोन एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से लोन लेना चाहते हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेकआउट कर लें। आज के डेट में मैंने दो एप्लीकेशन के बारे में बताया है, एक बार तो जरूर चेकआउट कर लें। ईएमआई लोन एप्लीकेशन के बारे में ही बताया गया है, वो भी लोन लेकर, ठीक है, आज के डेट में। तो जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है, कुछ चीज़ें तो यहाँ पर 200 यहाँ पर फेक डिटेल्स होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता दिया। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, आपकी मंथली इनकम का सोर्स है आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं और लोन सिलेक्ट फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई क्वारी है, पूछताछ करना चाहते हो, तो इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं। हालांकि मैं इस तरह का एप्लीकेशन का रिव्यू बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं यहाँ पर बात कर रहा था फास्ट क्वाइन लोन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 3.7 के साथ एप्लीकेशन ये रेट कर रही है और 1000 से ऊपर एप्लीकेशन को अब तक डाउनलोड किया गया है। बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है। मैं इस तरह का एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल रिव्यू नहीं करता हूँ, लेकिन लोगों को डिमांड होती है भाई न्यू एप्लीकेशन का रिव्यू करो, भले वो 7 दिन की एप्लीकेशन क्यों ना प्रोवाइड कराती हो। तो भाई ये है 7 दिन वाले लोन एप्लीकेशन। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो अपने हिसाब से सोच समझ के ही लोन्स के लिए अप्लाई करिएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि भाई इस तरह का एप्लीकेशन के ऊपर लोन्स के लिए अप्लाई करें। मेरा काम होता है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है भाई सोच समझ के लोन्स के लिए अप्लाई करना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आएंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।